दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल लेडीज स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज आप मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत और सिंपल ब्लाउज डिज़ाइन देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने लंबाई ली है 14.5 इंच। तो पहले हम फर्मा कटिंग करेंगे और चेस्ट है 9.5 इंच यानी 38, जो शोल्डर है 5.5 और आर्म होल के लिए 6 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमें नेक लेना है 11 इंच। इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चौड़ाई में मैंने लिया है 2.5 इंच। वी शेप है। अब देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमें इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि ये इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें इसे कपड़े की कटिंग करनी है, तो जो बड़ा वाला हिस्सा है वो एज इट इज़ रहेगा और जो सेकंड वाला है उसे हम 1 इंच बढ़ाएंगे। तो इसको फैब्रिक के ऊपर रख कर कटिंग करना है। और इसके लिए ये देखिए, ये तो हमें सेम ही रखना है जो बड़ा वाला हिस्सा था। अस्तर भी हमें इसी नाप से कटिंग कर लेना है। और जो सेकंड है, सेकंड कलर मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ, तो वो जो है जहाँ जॉइंट होने वाला है, जहाँ से हमने कट किया था, वहाँ से हमें इसे 1 इंच बढ़ाना है। अब देखिए, सबसे पहले हम नीचे सिलाई लगाएंगे और इसको पलटेंगे हम। तो ये दोनों हिस्से हमने अटैच कर लिए हैं नीचे से फोल्ड करते हुए। अब लगाएंगे हम पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए आपको रेब लेना है और इसे हमें लगाना है खींचते हुए। तो ये हो जाएगी। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से पाइपिंग लगानी है। दोनों हिस्सों पर पाइपिंग लगने के बाद हम इसे 1 इंच में अटैच कर लेंगे। जो एक एक्स्ट्रा रखा था हमने 1 इंच, वो दबाव में आ जाएगा। अब देखिए, बुकरम लेनी है हमें और हमें कुछ इस तरह का शेप जो है इस पर ड्रॉ करना है। ये दीपक का शेप है और इस तरह के शेप हमें 3 हिस्से में कटिंग कर लेने हैं। और जिस कपड़े पर हमें बनाना है उस पर मैंने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अब चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ओरेब लेना है हमें, और क्योंकि हमें पाइपिंग फोल्ड नहीं करनी है तो ओरेब आपको ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लेनी है और ना ही ओरेब को खींचना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है इस पर। और ये जो दोनों तरफ कॉर्नर बने हैं वहाँ पर हल्का सा कट जरूर लगा लें। तो इस तरह से हमें तीनों पर ये पाइपिंग लगा लेनी है। अब इसको करेंगे हम अटैच।
और दूसरी साइड में मैं लगा रही हूँ पट्टी। तो ये पट्टी लगाने के लिए भी आपको रेप चाहिए कपड़ा। और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें डार्ट लगानी है। तो ये हो जाएगी हमारी बहुत ही खूबसूरत और सिंपल ब्लाउज डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और नए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलें।